हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। इसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डिफरेंट तरीके से पॉइंटर्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम किस तरह से पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। हम पॉइंटर के डिफरेंट यूज़ देखेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में पॉइंटर को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, हमारे पॉइंटर की सीरीज़ का पहला लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। pointers.c नाम से चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से pointers का ये हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले main लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि int टाइप का है और उसका नाम है आई। मैं अब दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जो कि int टाइप का है, लेकिन इस बार हम बनाएंगे पॉइंटर। और दोस्तों, पॉइंटर बनाने का तरीका होता है, आपको बस स्टार लिखना है और इससे ये जो j वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। पॉइंटर वेरिएबल की सबसे खास बात यह है कि वो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड कर सकता है, मतलब कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हमने बनाया है int i टाइप का। ये जो वेरिएबल है ये कोई भी int टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जैसे कि इसके अंदर हमने 99 असाइन किया है। चलिए हम अपने प्रोग्राम में भी 99 i के अंदर असाइन कर देते हैं। यहाँ पर 99 इसके अंदर असाइन हो गया है। और फिर इसके पास दो चीज़ें हैं, एक इसकी वैल्यू जो कि 99 है और एक इसका एड्रेस जो कि 1000 है। 1000 वो जगह है जिस जगह पर हमारे प्रोग्राम को, हमारे इस वेरिएबल को मेमोरी मिली है। मेमोरी के अंदर 1000 मैंने सिर्फ सपोज़ किया है, वो एड्रेस आपके सिस्टम के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं मेमोरी में, रैम में जो जगह मिली है, जो ब्लॉक मिला है हमारे आई वेरिएबल को, उसका एड्रेस है 1000 और उसके अंदर, उस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो है 99 और उसका नाम है आई। लेकिन दोस्तों, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है जे, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड कर सकता है। जैसे कि जे के अंदर 1000 है। 1000 किसका एड्रेस है? 1000 एक एड्रेस है जो कि है वेरिएबल आई का। वेरिएबल आई के पास तीन चीज़ें हैं, इसका नाम, इसकी वैल्यू और इस ब्लॉक का एड्रेस। और जो एड्रेस है वो किसी और ब्लॉक के पास है जिसका नाम है जे। वैल्यू अब इसके अंदर आई है 1000 जो कि आई का एड्रेस है, और जे का खुद का एक एड्रेस है 1004। तो इन शॉर्ट, एक वेरिएबल के पास तीन चीज़ें होती हैं, नेम, वैल्यू एंड एड्रेस। जितना सा आई के पास, आई का नेम है आई, वैल्यू है 99 और एड्रेस है 1000। उसी तरह से जे का नाम है जे और वैल्यू है 1000 जो कि एक एड्रेस है, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, और एड्रेस है इसका खुद का एड्रेस है 1004। और दोस्तों, जो भी पॉइंटर वेरिएबल्स हैं वो केवल एड्रेस होल्ड कर सकते हैं उस टाइप का जिस टाइप के वो खुद हैं। यानी कि हमने यहाँ पर इन टाइप का जे वेरिएबल बनाया है जो कि आप इन टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस अपने अंदर होल्ड करेगा, जिस तरह से हमने यहाँ दिखाया है। हम जे के अंदर आई का एड्रेस होल्ड करके रखे हुए हैं जो कि दोनों इंट टाइप के हैं। इसीलिए अगर आई फ्लोट टाइप या किसी और टाइप का होता तो हम इसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन नहीं करा सकते थे। तो अभी हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, अभी हमने जे के अंदर आई का एड्रेस असाइन नहीं कराया है। चलिए आई के अंदर, आई का एड्रेस जे के अंदर असाइन कराते हैं। और इसका तरीका है इक्वल्स टू लगा के, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के केवल उस वेरिएबल का हमें नाम लिखना है। इस तरह से जो आई का एड्रेस है जो कि मैंने इन दो ब्लॉक्स के जरिए दिखाया हुआ है, वो एड्रेस
जे के अंदर आ चुका है। आई का एड्रेस जे के अंदर आ चुका है, जो अब जे की वैल्यू बन चुकी है क्योंकि वो उसके ब्लॉक के अंदर है। और जो हमेशा ब्लॉक के अंदर होता है वो उस वेरिएबल की हमेशा वैल्यू होती है, भले ही वो एड्रेस हो या कोई सिंपल वैल्यू हो। जैसे कि आई के अंदर सिंपल वैल्यू है 99, लेकिन जे के अंदर वैल्यू है 1000, जो कि एक एड्रेस है क्योंकि ये एक पॉइंटर है। और पॉइंटर केवल एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, कोई वैल्यू एड्रेस नहीं होल्ड कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं जे के अंदर, अगर मैं इस जगह पर जे के अंदर 99 असाइन कराता, तो इस समय जो 99 इसके अंदर असाइन हुआ होता वो कोई दूसरा मेमोरी ब्लॉक होता। यानी जिस तरह से ब्लॉक्स हैं, उसी तरह से एक और ब्लॉक हमारा बन जाता जिसका एड्रेस होता 99। तो ये कोई दूसरा ब्लॉक बनता 99 जिसका एड्रेस होता, तो इसका एड्रेस जे के अंदर असाइन होता, ना कि कोई वैल्यू इसके अंदर असाइन होगी। इसीलिए मैंने कहा केवल पॉइंटर के अंदर एड्रेस असाइन कर सकते हैं, हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर हम वैल्यू असाइन करेंगे तो जनरली वो किसी ब्लॉक का एड्रेस होगा, ना कि कोई वैल्यू। इसीलिए हम केवल इसके अंदर एड्रेस ऑफ लगाकर आई का एड्रेस देंगे। अब जे के अंदर एड्रेस आ चुका है आई का, तो दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम जे की मदद से आई को एक्सेस कर सकते हैं। आप भी कह सकते हो अब आई के दो नाम हुए हैं, एक तो आई जिसके अंदर वैल्यू 99, एड्रेस 1000, और अब दूसरा नाम हमने कर दिया इसका जे, क्योंकि जे के पास इसका एड्रेस है, जे के पास एड्रेस है आई का। तो हम जे की मदद से इनडायरेक्टली इस आई को एक्सेस कर सकते हैं, या तो इसका एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। और जो जे है, जैसे ही हमने आई का एड्रेस जे के अंदर डाला, वैसे ही जे आई को पॉइंट करने लगा। जिस तरह से मैंने एरो लगाया है, जे आई को पॉइंट कर रहा है, यानी कि आई का एड्रेस जे के पास जा चुका है। तो अब जे की मदद से हम किस तरह से आई को एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से जे का एड्रेस, जे की वैल्यू, आई का एड्रेस, आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एड्रेस और वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले एड्रेस ऑफ आई। तो एड्रेस ऑफ आई प्रिंट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट ऐप, जो कि कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर प्रिंट करते हैं एड्रेस ऑफ आई, यहाँ लिखते हैं परसेंट डी, अब कॉमा लगा के। दोस्तों आपको पता ही होगा कि परसेंट डी लिखने का मतलब है कि ये परसेंट डी तो प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर, बस जो परसेंट डी का मतलब होता है वो होता है डेसिमल, यानी कि जो हम वेरिएबल इस जगह पर लिखेंगे उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। तो चलिए हम आई का एड्रेस प्रिंट करते हैं। तो एड्रेस प्रिंट करने का तरीका होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर बस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना है और फिर लिखना है आई। तो जैसे ही मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया और फिर वेरिएबल का नाम लिखा, तो इसका मतलब है वो डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर देगा, डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर देगा आई के एड्रेस की, जो एड्रेस एक डेसिमल वैल्यू भी होगा, जो हमारा वेरिएबल है आई उसका एड्रेस है 1000, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। इसीलिए हमने परसेंट डी लगाया है फॉर प्रिंट टू डेसिमल वैल्यू, और एड्रेस ऑफ लगाने से ये इसका एड्रेस ही प्रिंट करेगा। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं लगाया तो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी हो तो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, और अगर हमें एड्रेस प्रिंट करना हो तो हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना होता है। तो इस समय एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने का मतलब है कि
जो आई का एड्रेस है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसको रन किया और देखिए दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो रहा है आई का। और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सिस्टम के लिए ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, मतलब ये जो वैल्यू है 6356744 ये अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग हो सकती है। आप अपने कंप्यूटर पर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है कि इसकी कुछ और वैल्यू आए, तो इसलिए उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग मेमोरी ब्लॉक हमारे प्रोग्राम को देता है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग सिस्टम पर। अब देखिए मैंने एड्रेस ऑफ लगाया, इसलिए इसका एड्रेस प्रिंट हो गया, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे प्रोग्राम को एड्रेस दिया होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आएगा 99। जैसे कि मैंने कहा कि एड्रेस ऑफ ना लिखना उसकी वैल्यू को दर्शाता है, यानी कि 99 जो कि वैल्यू है आई की वो प्रिंट हो गई है, या आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप आई का एड्रेस और तरीक़ों से प्रिंट कर सकते हो। तो आई का एड्रेस प्रिंट करने का तरीका है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको आई का एड्रेस प्रिंट करना है, एड्रेस ऑफ आई, तो आप एक तरीके से और कर सकते हो। आप सोच कर बताइए मुझे, आप किस तरह से एड्रेस प्रिंट कर सकते हो आई का। आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई नहीं लिखना है, बल्कि आपको जे की मदद से एड्रेस प्रिंट करना है आई का। देखिए हम अपने प्रेजेंटेशन में देखते हैं, जिस तरह से मैंने जे के अंदर वैल्यू, जिस जे की जो वैल्यू है वो 1000 है, जो कि एड्रेस है आई का, तो हमें केवल जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि जे की वैल्यू और आई का एड्रेस सेम है, क्योंकि जे एक पॉइंटर है, आई एक वेरिएबल है, और जे पॉइंटर के अंदर हमने एड्रेस असाइन कराया है आई का, तो इसलिए जे के अंदर जो वैल्यू है वो है एड्रेस आई का। तो हमें केवल यहाँ पर जे लिखना है और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई। चलिए देखते हैं, मैं पहले नेक्स्ट लाइन कर लेता हूँ। बैक स्लैश एन लिखने का मतलब है नेक्स्ट लाइन, इसको ज़रा डीप भी समझने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है, केवल बैक स्लैश एन लिखी और नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने केवल जे लिखा है और एड्रेस प्रिंट हो चुका है दोबारा से आई का। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू और आई का एड्रेस सेम है, क्योंकि हमने जे के अंदर इस लाइन में हमने जे के अंदर असाइन किया है एड्रेस ऑफ आई। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से जे का एड्रेस प्रिंट कर सकते हो। आप एक बार गैस कीजिए कि किस तरह से आप जे का एड्रेस प्रिंट करोगे, एड्रेस ऑफ जे। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, जिस तरह से आपने आई का एड्रेस प्रिंट किया है उसी तरह से आप जे का एड्रेस प्रिंट कर सकते हो, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखिए, जे लिखिए, और यहाँ पर जे का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एड्रेस है आई का, ये एड्रेस है आई का, जो कि अलग अलग तरीके से हमने करा है, और जो तीसरा प्रिंट ऐप है हमारा वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है जे का, ये हमारा जे का एड्रेस। चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं जे की। आप मुझे बता सकते हो कि जो जे की वैल्यू है वो क्या होगी? आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल, जो वैल्यू होगी जे की वो होगी 1000। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे ब्लॉक में, हमारे इस ब्लॉक में जो जे की वैल्यू है 1000 है, जो कि एड्रेस हमने माना था जे आई का, तो जो जे की वैल्यू होगी वो 1000 होगी, जो कि एड्रेस है आई का। तो हमें केवल यहाँ पर जे लिखना है और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब केवल जे लिखना दो चीज़ों को दर्शाता है, एक तो एड्रेस ऑफ आई और वैल्यू ऑफ जी।
चलिए इसका एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए दोस्तों वैल्यू ऑफ आई जो है वो है 6356748 748 जो कि एड्रेस है इसका, जो कि एड्रेस है आई का, क्योंकि एड्रेस आई का एड्रेस सेव है आई की जे की वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो आई की अलग अलग तरीके से। मैंने आपको दिखाया था कि आपको आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए आपको बस यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई की जगह आई लिखना है और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आई की। देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन में 99 प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ आई के लिए आई लिखा है, तो इसीलिए आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम आई की वैल्यू उसको और तरीक़ों से डिफरेंट तरीक़ों से प्रिंट कर सकते हैं। एक और तरीका है आई की वैल्यू प्रिंट करने का। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस ऑफ जे लिखने का मतलब है कि इस समय जो एड्रेस जे के पास है उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू असाइन की हुई है, यानी कि चलिए हम अपने ब्लॉक्स में देखते हैं, यानी कि जो जे के पास वैल्यू है स्टार, अगर हम स्टार ना लगाएं तो दो चीज़ें प्रिंट होंगी, एक वैल्यू जो कि एड्रेस है आई का, क्योंकि एड्रेस है ये आई का, तो हम इसको बोल सकते हैं सिर्फ जे लिखना, एक तो एड्रेस प्रिंट करेगा आई का और एक वैल्यू प्रिंट करेगा जे की। लेकिन अगर मैं स्टार लगाता हूँ तो स्टार लगाने का मतलब है कि ये इनडायरेक्टली आई की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जे के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है। अगर यहाँ पर कैरेक्टर टाइप के दोनों पॉइंटर्स होते, आई और जे कैरेक्टर टाइप के होते, तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर होता। अगर ये फ्लोट टाइप का होता पॉइंटर और आई, तो यहाँ पर कोई फ्लोटिंग वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर है इंटीजर वैल्यू, इसीलिए इस जे के एड्रेस में जे का एड्रेस जो है उस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू रखी है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से, ये देखिए फिर से 99 प्रिंट होने वाला है, ये देखिए 99 प्रिंट हो चुका है क्योंकि हमने स्टार लगाया है। और स्टार का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्टेड ऑपरेटर, या फिर इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। इस एंड का जो साइन होता है इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एड्रेस, यानी जो एड्रेस कंटेन है इस पॉइंटर के अंदर उस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू रखी हुई है। और कुछ तरीके हैं वैल्यू प्रिंट करने के आई की, देखिए आई की वैल्यू हम फिर से प्रिंट करेंगे, इस बार हम पहले प्रिंट करते हैं एड्रेस ऑफ आई, तो यहाँ पर आई का जो एड्रेस है 48 लास्ट में, यानी कि आई का एड्रेस प्रिंट हो चुका है, ये तो हमने अपने पहले लाइन में भी देखा था। लेकिन अब अगर हमें इस एड्रेस को वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, अभी हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया तो मैंने बताया था कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एड्रेस प्रिंट करता है, लेकिन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर जो कि स्टार होता है, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर प्रिंट करता है वैल्यू जो भी एड्रेस कंटेन है उस ब्लॉक के अंदर, यानी जे के अंदर एड्रेस क्या था 1000, तो 1000 जिसका एड्रेस है, जिस ब्लॉक का एड्रेस है उस ब्लॉक के अंदर कौन सी वैल्यू है 99। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
एड्रेस ऑफ आई हो जाएगा 1000, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, तो इसका क्या होना चाहिए? देखिए, पहले एड्रेस प्रिंट तो नहीं करेगा, लेकिन पहले एड्रेस कैलकुलेट होगा आएगा, जो कि हमने देखा था अभी, और फिर उस एड्रेस पर उस एड्रेस को वापस से वैल्यू ऑफ कन्वर्ट की मदद से, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की मदद से उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले कंपाइलर ने एड्रेस देखा आई का सिर्फ इसकी मदद से, सिर्फ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से, सिर्फ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से पहले उसने एड्रेस देखा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी लगाया है, तो एड्रेस पर उस एड्रेस पर जो वैल्यू है इस समय, उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया कंपाइलर ने। यानी कि पहले क्या हुआ होगा, पहले एड्रेस देखा गया आई का जो कि 1000 था, फिर वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की मदद से उस एड्रेस के, जिस ब्लॉक का वो एड्रेस है उस ब्लॉक के अंदर कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट कर दी गई। और एक और तरीका है दोस्तों हमारा आई की वैल्यू प्रिंट करने का, हम इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रिंट किया एड्रेस ऑफ जे, तो एड्रेस ऑफ जे का क्या मतलब है, यानी कि एड्रेस ऑफ जे के लिए आएगा यहाँ पर 1004, क्योंकि एड्रेस है जी का, तो इसीलिए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वो एड्रेस जो कि जे का एड्रेस होगा। यहाँ पर 1000, मैं आपको बता दूँ 1004 1000 केवल मैंने सपोज किया है, केवल मैंने माना है आपको समझाने के लिए, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से जे का एड्रेस प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ दोस्तों, जिस तरह से हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ऊपर लगाया था, तो पहले एड्रेस देखा गया था फिर उस एड्रेस की वैल्यू, तो उसी तरह से जे में पहले एड्रेस देखा जाएगा फिर उस एड्रेस की वैल्यू, यानी उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू रखी है। अभी भी आई का एड्रेस प्रिंट हुआ है, वो क्यों? क्योंकि पहले हमने लिखा था एड्रेस ऑफ जे। अब क्योंकि एड्रेस ऑफ जे में 1004 है, तो पहले 1004 देखा गया कंपाइलर की मदद से। कंपाइलर ने पहले देखा कि एड्रेस ऑफ जे लिखा है, यानी कि एड्रेस प्रिंट करना है जे का, जो कि है 1004। लेकिन फिर हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेटर लिया, तो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की मदद से जो जे के अंदर वैल्यू रखी है, मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू रखी है 1000, वो प्रिंट हो गई। यानी कि इन शॉर्ट, जो एड्रेस है आई का, एड्रेस है आई का, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और तार लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और तार लगा दिया। अब क्या होना चाहिए? अब मैंने कहा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले एड्रेस ऑफ की मदद से एड्रेस आएगा जे का, फिर हमने तार लिखा है बाहर, तो उस तार की मदद से उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, यानी 1000 के ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है 1004 के ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है 1000, वो आ जाएगी। अब क्योंकि 1000 भी एक एड्रेस है जो कि आई का एड्रेस है, उस एड्रेस पर भी जो वैल्यू रखी है यानी कि 99, वो प्रिंट हो जानी चाहिए। यानी एड्रेस ऑफ जे लिखा तो एड्रेस जे का, फिर वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की मदद से वैल्यू ऑफ जे, और क्योंकि वो भी एक एड्रेस है तो फिर से वैल्यू ऑफ ऑपरेटर लगाया, और फिर उस वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ने हमें उस एड्रेस, उस ब्लॉक का जो भी एड्रेस है यानी 1000, उसकी हमें वैल्यू रिटर्न करके दी। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है, 99 प्रिंट होगा। ये देखिए दोस्तों, 99 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करने के चार तरीके हो गए। पहला,
आप केवल लिख सकते हो आई परसेंट डी आई, या फिर लिख सकते हो स्टार जे, या लिख सकते हो जो भी पॉइंटर का नाम हो, आई मीन स्टार पॉइंटर, और फिर एड्रेस ऑफ आई, फिर वैल्यू ऑफ ऑर्बिटर। फिर चौथा तरीका है कि पहले एड्रेस ऑफ जे, फिर उसकी वैल्यू, फिर उसकी भी वैल्यू, क्योंकि वो खुद एक एड्रेस होगा। तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मैं जानता हूँ इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे अपने सिस्टम पर तो आप खुद समझ जाओगे कि जो भी ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म करे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हम आने वाले वीडियो सीरीज में हम आने वाले वीडियोस में इसी पॉइंटर को कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको पॉइंटर के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस समझाऊंगा, किस तरह से आप पॉइंटर को यूज़ कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर आपको मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, क्योंकि इससे सी से, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक और कुछ और वीडियोज़ हैं, कुछ और लैंग्वेज हैं जो मैं अपने चैनल पर आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको उन लैंग्वेजेस को सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।